देखिए, हम लोगों ने ये जो 2022 के चुनाव हुए हैं, इसमें जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण का समर्थन नहीं किया था, उनको इस बार सबक सिखाने के लिए कलावा बांधने का, राम को खोल चढ़ाने का, और जो भी झूठ प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, उमा भारती जी ने बोला है, इनके सारे झूठ का जो भी विस्तृत विवरण है वो लिख के एक फोल्डर बांटने का कार्य किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिन जिन ने हमारा सहयोग किया, जैसे रवि शर्मा, रश्मि आर्या जी, विनोद चतुर्वेदी जी, इनका हमने विरोध नहीं किया। महोबा में, क्योंकि जो हमारे तारा पाटकर सर काम करते हैं, उनके कहने पर कि यहाँ के महोबा और सरकारी के विधायक सदैव हमारे साथ फर्श पे बैठते हैं, हमारे साथ रक्त से चिट्ठियाँ लिखते हैं, इसलिए आप इनका विरोध मत करो, तो महोबा में हमने विरोध नहीं किया। लेकिन बाकी की जो 11 सीटें हैं, उन बाकी 11 सीटों पर, बाकी 11 सीटों पर हम लोगों ने भरपूर विरोध किया, और विरोध विरोध का स्वर फिर ये रहा कि आपको मैं आंकड़े बता दूं, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये वेबसाइट के चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 सीटों पर जब विजय श्री प्राप्त की थी तो उनको 11,22,983 वोट मिले थे, जो घटकर 2022 में 10,24,243 हो गए, 1,00,000 वोट इनका कम हुआ है। पिछले चुनाव में विपक्षी दल जितने भी लड़े थे इन 11 सीटों पर, उनको 5,84,354 वोट मिले थे, इस बार 3,60,000 वोट बढ़ के 8,25,243 हो गए। ऐसे ही जो जीत इन्होंने पिछले 19 सीटों पर जब दर्ज की थी, तो उसका जो अंतर था वो 5,38,589 का था, इस बार मात्र 1,78,097 का हो गया, मतलब 4,00,000 वोट आपकी जीत के घट गए। उसके बाद अगर लोग ये कहते हैं और चश्मा लगा के ऐसी बात करते हैं कि हम लोगों ने जो अपना कार्य किया उस कार्य में हम विफल रहे, तो उनसे हमारा निवेदन है, जब तक पूरी बात ना पढ़ लें, जब तक पूरी जानकारी ना ले लें, तब तक कृपया करके हम लोगों को बख्शें।